इसमें आटा और कोंदा मिक्स किया हुआ है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। गली में लगी, गली में। दोस्तों मैं और उमर आए। सबसे पहले रहो के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि चराई करना पड़ता है। सबसे पहले चराई के लिए इसमें घर से मिक्स करके लाया, अलग अलग थैली में करके इसमें आटा और कोंदा मिक्स किया हुआ है। ये चक्की का गिरा हुआ आटा जो चक्की में गिरता है वही है। पानी तो ऐसे भी बहुत लगेगा। ठीक है, जाएगा इतना भुरभुरा। लंबा होना तो है ना, बस एक साथ में थोड़ा देर फेंक। तो इस तरह से लड्डू बना लेंगे, उसके बाद चराई करेंगे, उसके बाद फिर बाइट बनाएंगे। और झब्बू वगैरह सेटअप मेरा ऑटोमेटिक रॉड लाया, छोटे छोटे वाले। ठीक है, टुकड़े टुकड़े में मच्छी अच्छी जमा हो जाएगी। दोस्तों कड़क लड्डू बनाना चाहिए, लेकिन हम इसलिए कड़क नहीं बनाए क्योंकि अभी पूरा घुल जाना चाहिए, चादर बीच जाना चाहिए। वो जब चराई में पूरी चादर बीच जाएगी वो सफ़ेद सफ़ेद, उसके बाद अपनी पीली गोली, यानी कि उमर हमेशा पीली गोली में खेलते। आज बनाएगा उमर और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बनाती पीली गोली, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहता है इनका। काफ़ी अच्छे अच्छे शिकार कर चुके हैं ये। बाइट बनाएंगे, बाइट बनाते हैं। देखते हैं उमर बाइट कैसे बनाता है, क्या क्या मिलाता है। आता है गाड़ी मार के, तुम्हारे पास नहीं था क्या? इतना सा है सिर्फ, ये भी कौन है? सबसे पहले बाइट बनाएंगे हम। आटा तो बहुत कम है, बस अभी बता दे रहे कि किस तरह बनाना है। आटा एक दूसरे के धोखे में रह गया कि मैं ले रहा वो ले रहे। मुझे लगा पूरा बाइट उमर बनाएगा तो उमर ले लेगा, तो और एक्चुअली मेरे से भी बोलने में गलती हो गई थी कि मैं आटा ले लेता हूँ। एक्चुअली मैं चराई के लिए बोला था, तो वो चराई वाली चराई कर दिए और ये आटा है। तो अभी इसमें कोंडा मिलाएंगे, बस के बाद में इसमें हल्दी मिलाएंगे। हल्दी देख सकते हैं क्वांटिटी, अभी जितना है उसके हिसाब से इतना ठीक है। उसके बाद में पार्ले जी बिस्किट, हाँ पैकेट में पूरा आ जाएगा तो फूक जाता है पूरा, वो डिजॉल्व जब हो जाएगा के बाद में अपने को निकाल लेंगे। देख सकते हैं कैसा बन गया। और ये है उमर भाई का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये अपने को बाइट के हिसाब से 2-3 चम्मच हम मिला सकते हैं। तो भाई ये क्वांटिटी के हिसाब से लाए हो। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने कभी नहीं सुने थे, हमेशा उमर शिकार करता है इससे। अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन सुना हो लेकिन अदरक नहीं सुना। थोड़ा सा पानी डालना, अच्छा पानी डालना पड़ता है। ये इसका ऐसा पानी अच्छा तरीके से मिक्स करेंगे और इसके फिर बाइट बनाएंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी मिक्स करके और पूरे, ताकि पूरे बाइट में फैल जाएगा। बाइट अपने को ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और एकदम लूज भी नहीं करना है, झब्बू के हिसाब से बाइट रखेंगे। और धीरे धीरे पानी मिलाना, पानी एकदम से ज़्यादा डाल के वो ऐसा नहीं करना। जितना धीरे धीरे आप उसको करेंगे उतनी अच्छी बाइट बनेगी। तो अपना बाइट इस तरीके से बना है, देख सकते हैं आप। थोड़ा इसमें पीला कलर रहा है, तो पीले कलर से भी बहुत जल्दी इफेक्ट गिरता है। कलर तो सिर्फ पक्षी को दिखने के लिए, बाकी जो अपना अदरक लहसुन का पेस्ट है और हल्दी और पार्ले जी बिस्किट, ये देख सकते हैं कैसा बाइट है। ना ज़्यादा कड़क, तोड़ के बताओ, ये देख सकते हैं। अच्छा ऐसे जब वो सक करें बेहतरीन। तो चलो अपना सेटअप रेडी कर लगाते हैं और अभी झब्बू पे खेलेंगे अपन शिकार। तो ये आज का हमारा सेटअप रहेगा, ऑटोमेटिक हुक, ऑटोमेटिक हुकअप होगा, झब्बू लगाएंगे इसमें। और दोस्तों ये रॉड जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर रील नहीं बैठता है इसमें। योलो बीजी 4000 बहुत ही बेहतरीन बैठ जाता है इसमें, माप का आता है। देखो अब इससे बड़ी लैग रहेगी तो इधर नहीं आएगी नीचे, बड़ी रील बहुत दिक्कत से बैठता, नहीं तो बैठता भी नहीं। और जो मेरे पास पुराना डाइवा का था स्ट्राइक फोर्स 4000, इसका भी लेग थोड़ा छोटा है। बाकी का ये इस्तेमाल करेंगे, इसमें रील इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार देख लेना इसका लैग बैठता है कि नहीं बैठता है। एक इसमें टुरटुरी लाया हूँ, टुरटुरी रॉड लगा के देख
टूरी मशीन लगा के देखता हूँ, अगर वो खेलने में इजी रहा तो बहुत बेहतरीन सस्ते में सेटअप हो जाएगा अपन, बहुत ही सस्ते में। ये है, ये देखते लगा के, ये जनरेटर। तो ये अपना आज का सेटअप, ऐसे ये झब्बू है, इस पर वेट फिक्स किया हूँ मच्छी काटने के लिए, और ये 6 नंबर हुक है सी टाइप, और ये बाइट अपनी इस तरीके से। इस तरह फिर 6 में लगा लेना है, तो जब तक वो मराठा लगा रहा है तब तक अपन अपना सेटअप रेडी करते हैं ऑटोमेटिक हुक वाला, ये जो लगी हुई है इसमें एक चीज़। हाँ, ये जो चप्पू है ना, इसको जब फेंकते हैं अपन उसको एक बार अच्छे तरीके से खोल लेना चाहिए। अच्छा, खुला हुआ रहना चाहिए। हाँ, खुला हुआ फिर वो कैसा एकदम ऊंचा हो जाएगा, तो मच्छी को खुला रहे तो सेपरेटली अच्छे से खींच लेते। अच्छा, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी लगाए तो चलता है, लेकिन इतना, इससे ज़्यादा नहीं, काफ़ी हो गया। ओके, मुँह के माप का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या साइज़ का है, 2 किलो का। हाँ, 2 किलो के लोगों के मुँह का साइज़ क्या रहता है उस चूस के अंदर ले लेना चाहिए। ये हैंड कास्टर में से ये झब्बू खेल रहे हैं ना, पानी की थपेड़ बहुत अच्छी है, जिधर पानी की थपेड़ रहते ज़्यादा मछलियाँ उस तरफ ज़्यादा रहती है, ये टाइम में हरे घासों की तरफ वो चरने के लिए आते हैं, और यहाँ पर खेती है पूरा, और यहाँ पर मछलियाँ काफ़ी चरने को आती है, कभी कभी अटक जाता है तो उससे अच्छा खोल के ही मैं डायरेक्ट मार। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसे करके मीडियम रेंज में जहाँ चराई मारे उसको, उससे थोड़ा सा आगे है उतनी रेंज में मारे। ये क्या, अरे बढ़िया, वहीं तक चराई हुई थी अपनी। ये तो धागा फिक्स हो गया, ये खींचेगा डब्बा लेके भागेगा सीधा। इसको ऐसा टाइट रखना है आगे को, ऐसा अगर आपके झाड़ होगा तो ऐसे झाड़ से आप ऐसा रख सकते हैं, प्रेस से झाड़ के ऊपर प्रेशर बनता उससे। अच्छा, इसको फिर ऐसे इसको पत्थर फिक्स कर देंगे, ये अपने को नोटिफिकेशन दे देगा बेल आइकन दबा के, ऐसा तागे पे फिक्स कर देंगे, तागे पे लगा दिया, बढ़िया। तो इसी तरह पूरा सेटअप लगा लेते हैं और देखते हैं कब खींचता है। तो ये सेटअप अगर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये रॉड तो अभी अपने पास है नहीं, लेकिन फरहान भाई के यहाँ अवेलेबल करवाऊंगा मैं, जो भी इस्तेमाल लगेगा और जिनको अगर लगा तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, गैलेक्सी का कैटलॉग नंबर मैं दे दूंगा स्क्रीन में, हर वीडियो में अब दे दिया करूंगा, आप जाके कैटलॉग में चेक कर सकते हैं जो जो आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ है या नहीं, और आप फरहान भाई से कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी निकाल सकते हैं। अगर आप स्पिनिंग रील से खेल रहे हो ये रॉड को, तो ये गाइड छोड़ देना, ये गाइड नहीं है, यहाँ से लगाना है, और ये जो तार वो आया हुआ है ट्रिगर, ये ट्रिगर में अटकाने के लिए आपको ये सुराग से लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पे करना पड़ेगा, और लॉक करते समय ऐसा करना पड़ेगा ताकि मच्छी ऐसे अगर बैठ करे तो ट्रिगर को ऐसा अटकाना पड़ेगा, धागा इस पर ही रहेगा ट्रिगर पर, और जब रॉ बैठ करके खींचेगी, यानी कि ये खींच रहा प्रेशर में हुक हो जाती है। तो चलो ये सेटअप लगाते हैं, झब्बू बांधते हैं और फेंकते फटाफट। ये रॉड के लिए योलो का BG 4000 बहुत ही बेहतरीन है, अगर ये रील भी आपको चाहिए रहेगा तो वही गैलेक्सी का कैटलॉग नंबर में जाके देख सकते हैं आप। इसका कास्टिंग करने का भी बता दूंगा, ये पहले झब्बू बांध देते हैं इसमें, ये अपने आरिफ भाई के झब्बू हैं, बहुत ही बेहतरीन बनाते, काफ़ी मेहनत करते हैं इसी चीज़ों में। अपन फांसा वाला लगाएंगे, फांसा देंगे यहाँ पर, ये फांसा वाला हो गया। रहो खेल रहे तो मोनोलाइन से ही खेलें, काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो मैं भी चलो अब आटा लगा लेता हूँ, सॉफ्ट है बिल्कुल, ऐसे झड़ना भी नहीं चाहिए और सख्त भी नहीं रहना चाहिए, जब रहो चूसेगी तो चूसते समय हुक हो जाना चाहिए, वही वेट के कारण, ये फिक्स वेट हमने बांधे, लेके भाग नहीं सकते, इसके वेट से ही रहो को छुप जा रहे। बिल्कुल 2 किलो साइज की रहू की मुंह इतनी रहती है, या अंगूठी के बराबर, इतना ही जा सकता अंदर, इतना ही रहता है, तो वो हिसाब से गोली अपने को बनाना पड़ेगा। तो ये एक सेटअप रेडी हो गया अपना, इसको पहले कास्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखो कि कोई शिकारी है आपके बाजू में, किधर फेंका हुआ है, क्योंकि किसी को तकलीफ मत पहुँचाओ। ये हाथ से फेंकना पड़ेगा, इससे नहीं कास्ट कर सकते। थोड़ा कम भी रख सकता था यार, टाइट रखना पड़ेगा थोड़ा, है ना, हवा के कारण इधर हो जा रहा थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं।
इसको लॉक लगाने का सिस्टम ये है, कैसा करके और ये ट्रिगर दे दो यहाँ पे, थोड़ा रोह बड़ा होगा तो ये इसको ज़्यादा दबा देना ताकि जब खींचने में उसको ताकत लगे तो लॉक ऐसा उठना चाहिए। और अपने ये कितना ढीला रखना है तो ये बेहतरीन हो गया। जा भाई, तो उमर भाई का पहला बाइट हो चुका है, छोड़ दिया क्या? लगा हुआ है, खींचते चेक करता हूँ। हाँ लगी ये कुर्सी लगी जब करके रहो तो इतना खतरनाक उड़ाता था। चलो शुरुआत इससे हुई, पेटअप लगा हुआ है ये, तो ये मशीन नहीं जाने देते उसको अपने को, ये रख देते जैसे कि वैसा। ये खेलना सबकी बस की बात भी नहीं रहती और मैं बस अपना चलाना भी नहीं चाहता इसमें। यही मशीन रहेगी, येलो का बीजी 4000 इस्तेमाल करूँगा आप जितने भी रॉड में खेलूँगा ऑटोमेटिक में, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मशीन है वो इस रॉड के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन। और ये अपना दूसरा, अरे रे बिंदु, यहाँ से भी उठा के जाएंगे। चला यहाँ भी हुआ ना आपका, किधर है वो वैष्णव किधर? जी, ये अपना तीसरा। अरे यार उसके ऊपर तो नहीं आ गया, रहने दो, जिधर भी जाता किस्मत समझ के रख दो, लगेगा ही। दोस्तों हम यहाँ सिंह के लिए, सिंह शिकार के लिए चराई कर देते हैं और लड्डू बना के डाल देते हैं। पूरा फेंक ही देते, मच्छी तुरंत जमा हो जाएगी यहाँ पे। गली में लगी, गली में ये शुरुआत हुई छोटी सी, बस बड़ा लग जाए तो थोड़ा मजा आएगा। अरे साइज से कम, वाइट उठा रहा है अपना।
जाएगी इसमें, देखो बता वाला इधर निकाल। बड़े बड़े लगेंगे अभी, ये तो अभी शुरुआत। चलो ज़्यादा लग जाएंगे ना तो उधर फार्म क्या है, मच्छी रखी गई है कुछ है ज़्यादा ही लगे जाने का, कम लेके जाने का नहीं है, ज़्यादा लगेगा तो उधर रखते कि नहीं थी जल्दी। अरे कूद जाता था ये चराई पे आ गए हैं। हाँ रहू अगर साइज रह रहा ना खतरनाक कुत्ता। स्काई ब्लू लाइन। मैं यहाँ पे चराई करके गया था सिंह का, सिलो इसलिए बोल रहा हूँ कि रहू बहुत होशियार जात होते हैं। ये डायमंड है अपना, यार तल्पी यहाँ भी आ गई। चला जाता हूँ अभी, यहाँ खेल सकता हूँ, बहुत तल्पी आ चुकी है। यार यहाँ भी तलपी आ गए पूरे। यहाँ भी तलपी लग रहे, खाली तलपी से लग रहे, आड़े ताड़े लग के आ रहे। ठीक है सलाम। लेके भागा था यार, उधर चले गए। लगा हुआ है, लगा हुआ है। अरे साइज साइज बढ़िया। अरे वो कैसे भाग रहा, देखना देखना घर। अरे नहीं
आराम से उमर, गड़बड़ मत कर, जाएगा जाने तो चुभाना मत गल, धागा फंस गया पूरा। चलिए जहाँ पे लगना चाहिए था लगा नहीं, ये देखिए। उमर कैमरा मेरा बैग में भर दो ना, गीला हो जाएगा। अच्छी साइज थी, पानी घुमाया बहुत, कैमरा बंद था। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इस तरह से खेले। और दो दिन पहले उमर ने यहाँ से 11 पीस मारा था और उसके एक दिन पहले 5 पीस, लेकिन आज चाल नहीं है कुछ, मौसम का भी फ़र्क रहता रहो का, और ऐसा नहीं रहता कि रोज़ कंटिन्यू लगेगा रहो, कभी ग्रुप रहती इधर तो किधर निकल जाती है ऐसे ऐसे, तो हमेशा कोशिश रहता शिकार एक जैसा ही नहीं होगा, नहीं तो इंसान रोज़ ही करेगा ना शिकार वैसा, तो इसके लिए अपने को जगह बदलते रहना पड़ता है और एरिया जाके देखना पड़ता चाल किधर है। अभी जिधर भी घासों में, आज इधर हो सकता है कल उधर हो गया होगा, दो तीन दिन उधर रहेंगे फिर एरिया बदलेंगे, पूरा झुंड के झुंड चलते हैं अभी वो चरने के हिसाब से, तो उस हिसाब से पानी भरा हुआ है, हरी हरी घास मिलती है उनको चरने के लिए, इस हिसाब से मछलियों का पूरा ग्रुप यहाँ से जा चुका था और कुछ थे थोड़ा बहुत तो हुआ, बाइट हुआ, जो भी हुआ जैसा बताना चाह रहा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ मैंने बताया ऑटोमेटिक रॉड और चराई और हुक बैट तो वो सक्सेस रहा। और हाँ, उमर का यूट्यूब चैनल है सैयद फिशिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट करें जाके। Thank you.